गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कोई अमृत वेले उठ के बंदगी करता है, इबादत दे विच जुड़ता है, जिवें जिवें परमेश्वर दा नाम जपदा जांदा है, पुठियां रेखावां सिद्धियां होंदियां जांदियां ने। आखो सतनाम ਸ੍ਰੀਆਕਾਲ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, माड़े काम करके माड़िया रेखावां बनी, माड़े कर्म बन गए। जो बीजे सो उगे, हुण जो बीजे उगेगा फिर खाना पेगा तेने। दुनिया का बीज बीजदा कोई होर है, वड़दा कोई होर है, खांदा कोई होर है। आखो सतनाम। दुनिया का बीज बीजदा कोई होर है, कामे कोई होर होंदे, वड़न वाले कामे कोई होर ने, वड़दा कोई होर है, खांदा पूरा देश है। आखो सतनाम। खांदा कोई होर है, पर कर्म खेत्र का बीज इदां दा नहीं। महाराज कहिंदे इत्थे बीजण वाला भी तू होएगा, वड्डण वाला भी तू होएगा, ते खाण वाला भी तू होएगा। तैनू ही खाणा पैणा, आपे बीज आपे ही खाओ, बीज के तैनू ही खाणा पैणा। फिर सोच के बीजिए बीजना की। कई बारी दास तुहाडे चरणां च बेनती करदा, मनुखी सुभा ईरखा वस हो के माड़ा बीज बीज दिंदा है। मनुखी सुभा ईरखा वस हो के उदों क्रोध चढ़िया हुंदा सिर ते, निंदिया ने पूरा जोर पाया होता, ईरखा ने पूरा जोर पाया होता, मन शोर दे विच होता, कर दे कर दे कर दे कर दे, बस माड़े कर्म लिख देंदा अपने मत्थे ते, लिख लिख। यकीन जानना सत्संग, हुण जिहड़ा कर्म लिखिया गया, जिहड़ा कर्म बीजिया गया, महाराज कहते खाना पैणा, भुगना पैणा, भुगना पैणा। ते गरीब निवाज, छुट्टण दा कोई तरीका है? छुट्टण दा कोई तरीका साहिब कहिंदे है, ये पंक्तियां उन्हां वास्ते ने सत्संगत, ददै दोष ना देओ किसे दोष कर्मा आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे मंदा चंगा आपना आपे ही कीता। ये पंक्तियां उन्हां वास्ते ने जिन्हां ने
अगले स्टेप की पंक्ति सुनी नहीं, जिन्हां नूं अगली पौड़ी का पता ही नहीं, जिन्हां नूं छुट्टण का मार्ग पता ही नहीं, ध्यान सुनना, कर्मां तों कोई छुट सकिया? जवाब मिलेगा जी नहीं, कर्मां तों कोई नहीं छुट सकिया। महाराज कहिंदे छुटदा है, आखो सतनाम, फसदा वह है जिन्हों हुण जुगत पता ही नहीं, ते फसदा वह भी है जिन्हों जुगत पता होंदिया होया भी मूर्खता कर जाता, ते जिन्हों जुगत पता लग गई, ते जुगत पता लग गई कर्मां तों छुटण दी, जुगत पता लग गई वह उसी वेले सुचेत हो गया, तुर पिया, वह जुगत नूं कमाणा शुरू कर दिता, बस फिर किसी फिर वह काले लेख मध्यम हो ही जाते हैं। आखो सतनाम, इन्ने मध्यम हो जाते ने, वह दुख जिहड़ा मान लो पांच साल तेरे घर रुकना सी, पांच साल तैनू बर्बाद कर देता, वह दुख पांच साल कर्म मांझ मांझ के वह जुगत अपना के कर्म मांझ मांझ के वह पांच साल का दुख इन्ना निका हो गया कि आया कदों ते चला कदों गया, वह पांच साल का पांच मिनट की खेड बनी। आखो सतनाम, पांच मिनट जड़ा पांच साल तू रोना सी, कल्पना सी, तड़फना सी, कुरलाहट मचानी सी, पीड़ च रहना सी, बर्बाद होना सी, वो पंजा साल, वो पांच साल का दुख, वो पांच साल की पीड़ा पांच मिनट दे विच लंघा सकते ने महाराज, पर कर्म छोटे कर ले। हुण जुगत की है, जुगत की है, बस आ कर्मा वाले जिहड़ा तुसी अमृत वेले उठ के नाम पै जपदे हो, आखो सतनाम, यह है जुगत, सिंपल यह है जुगत, भरिए मत पापा के संग, कर्म मैले सन पापा दे नाल तू भरिया होया सी, ओ पाप ने तेनू डोबना सी, ओ माड़े कर्म बन के तेरे अगे आके तेनू बर्बाद कर दे, ओ पापा ने तेनू बस खत्म ही करना सी, इस तो नाबूद ही करना सी, उन्हां कर्मा करके ओ पापा, पर जदों पाप ही धोते गए, कट्ठे सिरे पाप, बहुत पाप कट्ठे होए हुए, नैचुरली उन्होंने मारना सी, हुण पापा करके मैं मरना सी, हुण पाप ही नहीं रहे, कित्थों मरांगा, आखो सतनाम, किथे गए पाप, गए किथे, नानक जी दा नाम जपदे जपदे नानक जी दे चरणा च गए, आखो सतनाम, गए चरणा, भरिए मत पापा कै संग, ओ धोपै नावे कै, ओ धोपै नावे कै, ओ धोते गए, साहब कहिंदे तेरे सारे पाप धोते गए, तेरे सारे कलंक धोते गए, और तेरिया माड़िया रेखावां धोतियां गईयां, हुण की रह गया तेरे कोल, हुण धोते धोते धोते, भरिए मत पापा कै संग, ओ धोपै नावे कै रंग, रंग एक खेड़े च नाम जा, एक नाम का स्वरूप, धन धन बाबा आनंद सिंह जी दसते सन, गुरु का हुक्म भी नाम का स्वरूप है, आखो साहब एक आ नाम है ना जी जिहड़ा आपां जपदे पए वाहिगुरु, एक गुरु का हुक्म भी नाम का स्वरूप है, बाणी नाम स्वरूप है, आपां वाहिगुरु वाहिगुरु करी चलीए और गुरु दे हुक्म तो मुनकर होंदे चलिए, आखो सतनाम, भावें वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहे हैं, गुरु दे हुक्म तो मुनकर हो रहे हैं,
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਗੁਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਐਨ ਤਗੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 50-51 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਧੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰੱਖਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ 16 ਸਾਲ, 18 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾੜੀ, ਇੱਦਾਂ 51 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਸ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਟ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਟ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਦਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਾੜੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੰਗਣੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੇਸਾਂ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਛੇੜ ਪਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਗਲਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਭੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲੀ
मेहंदी नहीं लाते नैचुरली होती कई मेहंदी ला ला वो भूरी कर दे ब्राउन कर दे नहीं सानू हक नहीं मन मुख ये मन दे मगर तुरन वाला है मन ने कहा ना काली कर ला काली कर ला मन ने कहा ना काली कर ला बार गाह दे बेच फिर मुंह काला ही होना है आंखों साफ ना कदी मन नहीं तू मन मुख गुरु ने कहा नहीं रंगनी ए मन एला कहिंदा नहीं रंगनी हाले तां मैं जवान लगना हाले तां जवानी तां अंदरों होंदी है गुरमुख बुढ़े कले ना जेड़े गुरमुख ने पावे चिट्टी शाह दाढ़ी हो जाए चिट्टी शाह महाराज ने उन्होंने बुढ़ा किया ही गुरमुख नु आखो साधना वो है अंदर जवान रहिंदे कायम रहिंदे ने महाराज जी दे यादां दे विच जुड़े रहिंदे ने महाराज कहिंदे भाई आ बुढ़े है ही नहीं मन मन दे मगर तुरन वाला गुरु कह रहे ने आ काम नहीं करना दाढ़ी नहीं कटनी केस नहीं कटने परवट्टे नहीं बुनने मन कहिंदा जे परवट्टे ना मुन्ने ते सोहणी किवें लगणी परवट्टे मुन के ही तो सोहणी लगणा आ रूप ने एक दिन ढल जाना जिस दुनिया नू वखाण पिछे आ रूप बनांदे फिरदे आ ढल जाना ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਐਕਟਰ ਐਕਟਰੈਸ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਾਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਆਂ ਤੱਕ ਬਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਮਾਸ ਝੁਲਸਦੇ ਪਏ ਝੁਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੁਹਾਪਣ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਜੇ ਨੈਣ ਬਣਾ ਬਣਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਵੱਟੇ ਮੁੰਨ ਮੁੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਡੋਬਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਵਾਨੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ मैं गुरु नु सोना लगा दुनिया पावे जो बोली जाए जो बोली जाए कई बारी बीबिया दी दो चार दाड़ी आ जाती है वाल चार पांच दा वाल आ जाते मेरी बीबी दे भी आए हुए मैं कई बारी हसदा मैं कहा बुरशो शुमार लिया कर आखो कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं हारमोनस ने कई दे आ जाते कई दे नहीं ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤਗੜੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ ਕਾਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਗਿਣੇ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੂੰ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਣੀ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਣਾ ਪੀਣੀ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ
राती दो पैग मारे हो फिर सवेरे वाहिगुरु दसो गुरु नु पाएगा गुरु नु पाएगा हुण कथा किधरे दूसरा रूप ना ले लवे सतसंग कई फिर सोचते हो गए फिर यदा मतलब जे आप गुण नहीं छड़ सकते तो नाम जपण का कोई लाभ नहीं फिर नाम जपण का कोई लाभ नहीं जे मैं शराब भी पीना मैं दाढ़ी भी काली करदा मैं वाल भी मैं कटदा वा आ भी करदा वा परवटे भी मुकदी हाँ मैं तो जे मैं सुखमनी पढ़ रही हाँ बाणी पढ़ रही हाँ सिमरन का वह मतलब कोई लाभ नहीं इतने बाबा जी ज्ञान देते सन बाबा नानक सिंह जी ता ही महापुरखों की संगत बहुत जरूरी है साहब ने दसदा कहता है मन मुख भगत करे विण सतगुर क्लीयर क्लीयर कह रहे विण सतगुर भगत ना हुई भगती नहीं ते फिर वो भगती गई कित्थे भगती गई कित्थे फिर इत्थे आ के महापुरख बचन करिया करदे सन कहिंदे दो किस्म दे कुत्ते हुंदे एक कुत्ते ओ जेड़े नालियां दे विच मूंह मारदे फिरदे बिना खसम दे निखसमे बिना पटे दे सर्दी है ते किते किते जा जा के साथ संगत लुकदे फिरदे गर्मी है ते नालियां दे विच बढ़दे फिरदे ने किचड़ चे बढ़दे फिरदे भुख लगी ते जूठण चे मूंह मारदे ने मिल गया नहीं ते ना कोई नेड़े किसी दे नेड़े हुंदे ने कुछ मंगण दे लई वो सोचता है मैनू कट्टण दे लई आ रहा वो कहिंदा डांग मार के दुर 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 करदा है एक कुत्ते आ ने ते एक कुत्ते ने जिन्हां दे गले च पट्टे पे हुए मालक वाले मालक पूरा ख्याल रखदा है सर्दियां आईयां ते सोहणे वस्त्र भी सवांदा है कईआं कुत्तियां दे तुसीं देखो बड़े सोहणे सोहणे कपड़े पाए हुंदे ने इन्ने सोने तो किसी गरीब के नहीं पाए होंगे जिन्हें अमीर कुत्तियां दे कपड़े होंगे गरीब नहीं मर्सिडीज से घूमते वो कुत्ते मर्सिडीज से घूमते होंगे आखो साहब गरीब एडी महंगी साध संगत रोटी नहीं खा सकता जिन्हें तो कुत्ते दे बिस्कुट होंगे ने खाते बिस्कुट ओदे पूरे हफ्ते की रोटी होएगी ओदे पूरे दिन के बिस्कुट होंगे एडे महंगे बिस्कुट साध प्रोटीन वाले ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਈ ਠਾਠ ਚ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗੁਰਾ ਸੀ मुक्ति इस करके नहीं हुई क्योंकि गुरु तो मुनकर सी गुरु दे हुक्म तो मुनकर सी इसलिए मुक्ति नहीं हुई ते शाही ठाठ मानदा पे भावे कुत्ता है शाही ठाठ मानदा पे करोड़ा गरीबा नालों वधिया जिंदगी भोगता पे कुत्ता कहिंदे आ नाम दी बरकत सी आखो साहब सुना आ नाम नाम ऐदा वरतिया खाली नहीं गया नाम एक तिल नहीं भन्ने काले बोलो वाहेगुरु अभी कुछ देके जाएगा अभी देके जाएगा ते बाबा जी बचन करदे सन कहिंदे ओ जेड़ा मखमला च बैठा होया है माड़ी जी नेछा लग जाण ते ओहदे लई डॉक्टर है दवाइयां ने इलाज है पूरा ध्यान रखिया जांदा है कहिंदे ओ जिहड़ा नाम जपिया सी ओहदा फल पांदा पिया आखो सतनाम इस लई कर्मा वालियो आ जिहड़ा नाम ए भजन ए बंदगी ए अमृत वेला एक जुगती है अपने कर्मा नू मांजण दे लई आखो सतनाम एक नाम अमृत वेला बंदगी एक गुरु दा हुक्म मनते जाए जिदा जिदा हुक्म दे जा रहे ने सतगुरु जिदा जिदा बाणी दे राही सानू पता लग रहा है कि आ दिशा वल वधण आ दिशा वल वधण साडी दिशा ही माड़ी होई पई है पातशाह कहिंदे आ दिशा ही तेरी ए मुड़ गया आ दिशा वल इधर खौफनाक जंगल इत्थे खौफनाक जंगल मरेगा हुण साहिब कहिंदे आ दिशा ठीक सी इत्थे तुरदा जांदा ते सीधा टिकाणे ते पहुंचदा ना पर दिशा बदल ली
गुरु की बाणी ये भी नाम है, गुरु का हुक्म नाम है। आखो सब सुना आ नाम भी जपना है। जे आ अमृत वेले भजन कर रहे हैं ते गुरु दे हुक्म तो मुंद कर हां बस फिर आ नाम तुहानू उस रूप च मिल जाए। पर जे कहोगे मुक्ति नहीं वो कर्म तो खड़े रहेंगे। आखो सब सुना ते जे गुरु का हुक्म भी नाल नाल मनदे चले जावांगे जीवन चो निंदिया घटती जाएगी, ईरखा घटती जाएगी, द्वैत घटती जाएगी, गलवकरियां पिटियां होणगियां, प्यार वंडदे जाओगे, खुशियां वंडदे जाओगे, घर वसाण दी गल करोगे, घर उजाड़न दी नहीं। समझ लियो नाम जपदे पए हो। आखो सतनाम वाहिगुरु। मिठा बोल बोल के और किसी का जीवन सुधार दिता, मिठा बोल बोल के किसी का घर वसा दिता, चंगा बोल बोल के किसी टिक्के का किरदार उठा दिता। सत्संग ये भी एक नाम ही है। आखो सतनाम ये भी नाम का स्वरूप है। गुरु दे बोल मंदे चले जा रहे हैं, मंदे चले जा रहे हैं, मंदे चले जा रहे हैं, अकर्म मांझदे चले जा रहे हैं। आखो सतनाम अकर्म मांझदे चले जा रहे हैं। सिंपल एक जुगती अज सांझी महाराज ने सुनाई है। दास भी मन के लहा लवे ते तुसी भी मन के लहा लो। एक अमृत वेले उठ के नाम जपना लाजमी, ये ता लाजमी जरूरी है। फिर एदे नाल नाल जो गुर कहे सोई पल मन, जो गुर कहे सोई पल मन। सतगुर नु सब को वेखदा जेता जगत संसार, ओ डिठे मुक्त ना हो गई। साहब कहते डिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द न करे विचार। गुरु नु मनना पेगा, गुरु नु कमाना पेगा, गुरु मेहर करन बख्शिश करन। पर आरंभ कित्थों करना है? अमृत वेले। ए भी गुरु का हुक्म ही है ना जी, ए भी गुरु दे हुक्म दे विच ही आंदा है ना। गुरु ने हुक्म कीता अमृत वेले नहीं सोना, पहला हुक्म मन, पहला हुक्म मन कि अमृत वेले नहीं सोना। आखो सतनाम। जेड़े सिख रिलीजन नु बिलोंग करदे ने फिर उना लई हुक्म कढ़िया, पहला हुक्म कढ़िया प्रथम रहती है जान खंडे की बहुल छक है, खंडे की बहुल छक है। ए भी हुक्म है गुरु दा। मन मन हुक्म मन के नाम जपदे चले जाइए, उस जपे हुए नाम नु बड़ा रंग चढ़ेगा, बड़ा रंग चढ़ेगा, बड़ा रंग इन्ना रंग चढ़ेगा कि काला रंग जेड़ा है ना, बद रंग जेड़ा है, कर्मा दा जेड़ा माड़ा रंग है, ते माड़ी मैल जेड़ी है उतरदी चली जाएगी। इसलिए कर्मा वाले अमृत वेले उठ के भजन करिए। आखो सतनाम।